गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का पार्ट वन स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के पार्ट वन में मैं बेसिकली आपको बेसिक्स पे लेके जाऊंगा और डेफिनेशंस पे, और पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं उन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. तो स्टूडेंट्स, जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें मैं जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले नंबर सिस्टम की बात करूंगा. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका. स्टार्टिंग करूंगा फ्रेंड्स नेचुरल नंबर से. जो नेचुरल नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन तक चलते हैं. अगर मैं बात होल नंबर्स की कर लूं फ्रेंड्स, तो होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इसी तरह से फ्रेंड्स, तीसरा नंबर सिस्टम मेरे पास आता है इंटीजर्स का. इंटीजर्स में फ्रेंड्स ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हम लेके चलते हैं. तो लेट्स सपोज यहां पर -3, -2, -1 डैश 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 का मतलब है अनंत तक चलता है इसी फॉर्मेट में, 0, 1, 2, 3 एंड डैश डैश डैश. तो ये फ्रेंड्स तीन नंबर सिस्टम है जिनको हम क्लास लगभग 6th-7th तक हम लगभग ये चीजें कर लेते हैं. इवन अब तो प्राइमरी लेवल में भी जो रैशनल नंबर है वो स्टार्ट हो जाता है. लेकिन फिर भी इन तीन चीजों को मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिटेलिंग्स की बताऊंगा कि अगर कहीं पर जीरो इंट्रोड्यूस होता है तो वो इंटीजर हो सकता है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता. ये छोटी मोटी चीजें हैं. तो इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बाद बात करते हैं रैशनल नंबर की. अगर फ्रेंड्स मुझे रैशनल नंबर की बात करनी है तो मैं उससे पहले अपने सारे व्यूअर्स को यह बता दूं कि हम डेसिमल की बात करेंगे उससे पहले. तो फ्रेंड्स डेसिमल में क्या है? वैसे तो डेसिमल कोई किसी नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है. डेसिमल या तो रैशनल होता है या तो इरेशनल होता है. लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि डेसिमल्स की अगर मैं बात करूं, डेसिमल्स की बात करूं तो डेसिमल बेसिकली मेरे पास फ्रेंड्स तीन तरह के डेसिमल्स होते हैं. पहला फ्रेंड्स मेरे पास डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल का फ्रेंड्स मेरा मतलब होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन दी हुई है 1/2, तो आप उसको 0.5 लिख देते हो, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. यानी कि ये यहां से आगे खत्म है, इसकी जितनी मर्जी डिवीजन कर लो ये यहां पर हमारे पास खत्म हो जाता है, इसका आंसर आ जाता है. दूसरा फ्रेंड्स मेरे पास आता है रीअकरिंग डेसिमल होता है फ्रेंड्स. मसलन आपने कभी चेक किया हो 1/3 को आप लिखते हो 0.3333 एंड सो ऑन, या फिर आप लिख देते हो 0.3 बार. तो कई मेरे व्यूअर्स हैं जो हिंदी या पंजाबी समझते हैं तो उनको बता दो बार का मतलब मैं ये बोलता हूं बार बार आ रहा है जो, ठीक है जी. तो 0.3 बार का मीन्स ये जो 3 है वो बार बार आ रहा है, तो ये 0.3 बार हो गया सिर्फ याद रखने के लिए. उसके बाद फ्रेंड्स तीसरी चीज जो होती है मेरे पास वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग का फ्रेंड्स मतलब ये होता है कि इसकी डेफिनेटली फ्रैक्शनल फॉर्म तो होगी नहीं, क्योंकि अगर ये मतलब समथिंग ओवर समथिंग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जा सके या किसी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता तो डेफिनेटली वो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रीअकरिंग इकट्ठे नहीं होता, ठीक है. कैसे नहीं होता फ्रेंड्स उसकी बात मैं करता हूं. अगर मान लो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं 0.12, 1/1, 1/1, 1/2, 1/1, 1/2 एंड सो ऑन. तो इस सो ऑन का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है कि ये 2 लास्ट में सो ऑन हो रहा है. इसका मतलब है जिस पैटर्न से यही बढ़ रहा है उसी पैटर्न से बढ़ेगा. कहने का मतलब पहले एक बार 1 आया फिर 2 आया, फिर 2 बार 1 आया फिर 2 आया, फिर 3 बार 1 आया फिर 2 आया, फिर 4 बार 1 आया फिर 2 आया. इसका मतलब आगे 5 बार 1 आएगा एंड 2 आएगा एंड सो ऑन. तो ये सो ऑन जो है उसको नॉन टर्मिनेटिंग बनाता है, ठीक है. तो वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है इसलिए वो सो ऑन तक लेके गया है, लेकिन वो रिएक्कर नहीं कर रहा है. यहां पर देखिए कोई रिएक्कर नहीं है. यहां पर अगर हम 1, 2, 12 की बात करें तो यहां पर 1, 2 आ रहा है, फिर 1, 2 आ रहा है, फिर 1, 1, 2 आ रहा है, फिर 4 बार 1, 2 आ रहा है एंड सो ऑन. तो इसका मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहा. तो ये फॉर्म होती है फ्रेंड्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग अगर मैं ये डेसिमल्स की बात करूं, और रैशनल नंबर भी मैंने आपको करवाना है, लेकिन फिर भी अगर मैं डेसिमल्स की टर्म में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझने की कोशिश करूंगा तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं इनको मैं बोलूंगा रैशनल नंबर्स, और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग वाला पार्ट है इसको मैं बोलूंगा इरेशनल नंबर.
तो फ्रेंड्स ये डेसिमल की टर्म में इसको समझना बहुत जरूरी होता है। क्लास नाइन्थ में हम इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज आप यहां पर समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब दोबारा से रैशनल नंबर की फ्रैक्शनल डेफिनेशन पे चलते हैं, जो किताबी डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। ये भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन ये इन टर्म ऑफ डेसिमल के तौर पर दी गई है, तो जो आपने बुक्स में पढ़ी होगी अब उसकी बात कर लेते हैं हम कि रैशनल नंबर की और कौन सी डेफिनेशन आपने की हुई है। तो ये रहा फ्रेंड्स रैशनल नंबर। नेक्स्ट रैशनल नंबर, तो फ्रेंड्स रैशनल नंबर में देखिए क्या होगा। रैशनल नंबर होता है p ओवर q, q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड pq बिलोंग टू इंटीजर्स। ये है फ्रेंड्स मेरे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो है फ्रेंड्स यहां पर ये बड़ी क्लियर हो जाती है कि p ओवर q q इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो गया कि ये नंबर एग्जिस्ट करता है। अगर ये जीरो हो गया तो डेफिनेटली वो इन्फिनिटी बन जाएगा, और हम जानते हैं कि इन्फिनिटी एक सिंबल है, नंबर नहीं है, जो अनंत को शो करता है। तो ये वो चीज आ गई कि जीरो नहीं हो सकता ये, और p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट जीरो, वो हमने बोल दिया। p जीरो हो सकता है लेकिन q के लिए वो एक्सेप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ये रही फ्रेंड्स रैशनल नंबर की डेफिनेशन। और अगर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैं दू आपको, तो मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको एक वेन डायग्राम के जरिए समझूं, तो फ्रेंड्स अगर मेरे पास ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर हैं, और यहां पर मैं लगा दूं कि ये मेरे पास रैशनल हैं, तो इसका मतलब रेस्ट जो होगा मेरे पास सारे का सारा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। एक मैं फ्रेंड्स आपको इसका, इन सबका आपस में रिलेशन थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। इनका आपस में रिलेशन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये रियल तक ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो अगर आपने सेट थ्योरी की हुई है तो इसमें आप जरा समझेंगे कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। और अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, रियल नंबर की बात करूं, रियल नंबर इज ए यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये एक इसकी सेट थ्योरी अगर किसी ने पढ़ी हुई है तो ये सेट थ्योरी में ये चीज जो होती है वो समझ सकते हैं हम। लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी तो मैं इसको फिर भी बता सकता हूं कैसे, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, कुछ होंगे कुछ नहीं भी हो सकते। इसी तरह से सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, आंखें बंद करके बोल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। सिमिलरली ये तीनों के तीनों रैशनल होंगे, लेकिन हरेक रैशनल जो होता है वो ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो इसी तरह से ये चारों के चारों नंबर रियल नंबर होंगे, लेकिन हर रियल नंबर रैशनल इंटीजर्स नेचुरल या होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये अगर कोई रैशनल नहीं है तो इट मींस वो इरेशनल है। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास इनके जो नाम हम फ्रेंड्स करते हैं रैशनल इरेशनल, है ना, इन सबसे रिलेटेड। तो हम कई बार हमारे माइंड में ये होता है कि यार ये पूछा कहां पे जाएगा या इसका क्या क्या हमारे पास पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक बुकलेट है, उसमें कुछ एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। मैं क्वेश्चंस की फ्रेंड्स स्टेटमेंट बोलूंगा, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसने बोला है हमें, पहली चीज है द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देखिए अभी थोड़ी देर ये क्वेश्चन उसने पूछा है कि सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये अभी मैंने बताया आपको कि इनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज क्या होता है उनका सेट। तो उनका सेट क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम देखे, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल नंबर, तो उसमें ए पे दिया हुआ है 2, 3, 4, बी पे दिया हुआ है 1, 0, -1, सी पे दिया हुआ है 1/2, 0, 2 और डी पे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4.1। तो उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं जानता हूं ये सेट ऑफ
नेचुरल नंबर है। अगर इसी में मेरे को कोई पूछे, चलो मैं इसी क्वेश्चन में एक्सटेंड करता हूं, मैं कहता हूं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर यही क्वेश्चन में वो मेरे को बोले सेट ऑफ इंटीजर्स कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी। और इन दोनों को मैं ये बोल सकता हूं दे आर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम ये बोल सकते हैं कि ये इनके डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। यहां पर फ्रेंड्स मैंने अभी तक आपको जो चीज करवाई है वो सारी की सारी रैशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी इरेशनल नंबर के बारे में बात बताऊंगा, क्योंकि अब जिस तरह से पेपर के लेवल बढ़ रहे हैं तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रैशनल नंबर के तो हमने देख लिया कि नेचुरल नंबर सारे रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर सारे रैशनल नंबर होते हैं, है ना, इंटीजर सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो क्या ऐसा भी कोई है कि इरेशनल नंबर हम किसको बोले, ठीक है फ्रेंड्स। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर्स इनकी भी मैं आपको टाइप्स बताता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती है फ्रेंड्स, ठीक है। पहली टाइप है इसकी ट्रांसडेंटल नंबर, ट्रांसडेंटल नंबर्स, और दूसरी इसकी जो नंबर सिस्टम है इसका, उसको बोलते हैं अल्जेब्रिक नंबर, अल्जेब्रिक नंबर। अल्जेब्रिक नंबर और ट्रांसडेंटल नंबर में क्या फर्क है फ्रेंड्स, इसको समझिए। हैं दोनों के दोनों इरेशनल नंबर, ठीक है जी। अल्जेब्रिक नंबर और ट्रांसडेंटल नंबर क्या होता है, अल्जेब्रिक नंबर उस नंबर को बोलते, उस इरेशनल नंबर को बोलते हैं जो किसी ना किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जीरो हो, जो किसी ना किसी अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल का जीरो हो, जो या इन शॉर्ट वर्ड अगर इक्वेशन आपको कोई अल्जेब्रिक दी गई तो मैं ये बोलता हूं कि वो इरेशनल नंबर जो किसी ना किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जीरो आ रहा है, या उसका रूट आ रहा है, या उसका सॉल्यूशन आ रहा है, इक्वेशन है अगर वो, तो वो हमारे पास क्या होगा, अल्जेब्रिक नंबर होगा। मसलन अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट सेवन, ये सारे के सारे हमारे पास अल्जेब्रिक नंबर है, क्योंकि हमें पता है ये। मैं आपको एक बार समझा देता हूं कैसे। अगर मान लो मेरे को एक इक्वेशन दे दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अंडर रूट टू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है मेरे पास, तो इसका मतलब ये एक अल्जेब्रिक नंबर होगा। सिमिलरली बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एक नंबर ऐसे होते हैं जो किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकते, ठीक है जी। इसमें सबसे बड़ा है पाई, उसके बाद अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है एक ई, उसके बाद मैंने आपको याद होगा जब डेसिमल सिस्टम करवाया तो उस डेसिमल सिस्टम में मैंने इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन बोली थी, मैंने बोला था 0.12 112 112 111 112 एंड सो ऑन। तो ये भी ट्रांसडेंटल नंबर है, क्योंकि ये भी किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो जीरो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है जी। तो इस तरह के नंबर और पाई और ई के बारे में तो खैर हम शुरू से जानते हैं। ये सारे के सारे नंबर है तो इरेशनल नंबर, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक नाम भी है, वो है इनका ट्रांसडेंटल नंबर। और जो इस तरह के नंबर हैं ये भी सारे के सारे इरेशनल नंबर है, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक नाम है अल्जेब्रिक नंबर। तो कई बार एग्जाम्स में एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा पार्ट वन। पार्ट टू में फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वगैरह, देखिए मैं डेफिनेशंस पे कवर कर चुका हूं, उसकी टाइप्स पे कवर कर चुका हूं, तो मैं अब क्या करूंगा फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट में इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके पास लेके आऊंगा। इसके एक पार्ट नहीं होने वाला फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम के मेरे पास कम से कम 6 से 7 पार्ट आने की उम्मीद है मुझे जो लगता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच जी।